नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। योगी सरकार ने ठान लिया है कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है और इसलिए वो लगातार कदम उठा रहे हैं। जो अपराधियों पर भी भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं बदलते समय के साथ अपराधी भी घटनाओं के अलग अलग तरह से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और एक ऐसी तकनीक तैयार की जो अपराधी पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगी, जिसका उद्घाटन खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। क्या है वो तकनीक, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पिपरसन में 350 करोड़ रुपयों की लागत से 15 एकड़ में फॉरेंसिक और पुलिस विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसके बाद 1 अगस्त को पहले हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या अनोखा होगा। दरअसल इस विश्वविद्यालय में भौतिकी, जीव विज्ञान, डीएनए, साइबर अपराध, रसायन व्यवहार विज्ञान और विधि जैसे विषयों से संबंधित विभाग होंगे। दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत करने के लिए सीएम के निर्देश पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने पिछले साल अगस्त में ही इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। अब तक इस पर मंथन चल रहा था और अब इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। वक्त के साथ अब अपराध और अपराधी पहले जैसे नहीं रहे। अब अपराधी कहा जाए तो वारदातों को अंजाम देने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में काफी पीछे रह गई है। तकनीकी में माहिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए यूपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लेते हुए बीते साल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि ये सरोजनी नगर के पिपरसंड इलाके में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भव्य भवन जल्द तैयार होगा। इंस्टीट्यूट के जरिए पुलिस और बाकी जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में शिक्षा और जानकारी देने के साथ ही ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में अपना डंका बजवाने वाला इजराइल के एक्सपर्ट यूपी के फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहेंगे। ये एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को फॉरेंसिक की बारीकियां सिखाएंगे। इंस्टीट्यूट गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबंधित होगा। लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी एएमयू किया गया है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट यूपी में सरोजनी नगर में करीब 15 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसकी लागत 350 करोड़ रुपए के आसपास है। इंस्टीट्यूट ने एकेडमिक ब्लॉक के साथ ही प्रशासनिक भवन, महिला व पुरुष हॉस्टल, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, गेस्ट रूम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्टूडेंट यूनियन के लिए एक भवन और कैंटीन होगी। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए इंस्टीट्यूट परिसर के साथ ही करीब 250 आवासीय और अनावासीय निर्माण भी कराए जाएंगे। इंस्टीट्यूट में गोलियां, बारूद, बम और अन्य विस्फोटक सामग्रियों के साथ सरोलॉजी यानी विश्व विज्ञान, हाथ की लिखावट समझाने वाला प्रलेख विज्ञान, डीएनए, व्यवहार विज्ञान, साइबर क्राइम, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी जैसे 10 विभाग होंगे। इंस्टीट्यूट में 14 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर, 42 असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 496 का स्टाफ स्टूडेंट को पढ़ाएगा। इंस्टीट्यूट के लिए वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर का पद पहले ही सृजित किया जा चुका है। दरअसल फॉरेंसिक साइंस की जानकारी न होने से विवेचना में गुणवत्ता नहीं आ पाती और अपराधियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार नहीं हो पाती। इससे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिल पाती और वो आसानी से जेल से छूट जाते हैं। वहीं कोर्ट में मैनुअल विवेचना और कमजोर साक्ष्यों के चलते वर्षों तक सुनवाई होती रही। साक्ष्य साबित करने के चक्कर में हजारों मुकदमे कोर्ट में लंबित पड़े हैं। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट पुलिस और न्यायालय का काम और मुकदमों में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस को हर तकनीक से बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। ये फैसला अपराधियों के लिए साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध किया तो राम नाम सत्य की यात्रा में निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।